अरे ओ भाई 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 नो आराम से आराम से सुनो बैग से सीट करो चढ़ो ऊपर चढ़ो ठीक है आ जाओ लाइट फुल कर लो लाइट फुल है हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई आर के आर कैमरे पर अपने भाई अशोक है अशोक भाई कैमरा लाइट सबका ध्यान रखना है बिल्कुल ठीक है क्योंकि यार बहुत परेशान हो चुके हैं इस लोकेशन पे आके यार कम से कम एक भाई था विजय सिंह राजपूत उसके कमेंट देखे थे समथिंग यार कम से कम 100 से अबव उसी भाई के लिए वैसे तो बहुत सारे भाइयों की और मेरी बहनों की मेरे दोस्तों की सबकी डिमांड थी कि आर के आर भाई उस मैरिज हॉल के अंदर जाओ पर फिर भी उस भाई के लिए स्पेशल आया हूँ मैरिज हॉल के अंदर अशोक भाई आराम से दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है अभी हम बाहर खड़े हैं और जिसने भी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट नहीं देखे हैं जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे और आपका एक स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है यार आपका प्यार जो कि बहुत ही कम मिल रहा है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं नहीं सभी भाई लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका प्यार बहुत कम मिल रहा है यार कोई कुछ बोलता है ठीक है जो बकवास करते हैं घर पे बैठ के वो भी कर रहे हैं पर अपना काम कर रहे हैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ढेर सारा प्यार बनाए रखें क्योंकि आपके लिए इतनी रिस्क लेते हैं जो कि हर कोई नहीं ले सकता मैं ये चैलेंज नहीं करता हूँ कि हर कोई नहीं ले सकता बहुत सारे भाई लोग हैं जो जिसमें जिगर है जो हिम्मत रखते हैं ऐसी जगहों पर जाने की फिर भी आपके लिए आपके प्यार के लिए ऐसी जगहों पर आते हैं यार जहाँ पर रात को तो क्या दिन को भी कोई नहीं पहुँच पाता लास्ट टाइम मैंने इस जगह पर जो भी स्पिरिट है आत्मा है उसको मोक्ष दिलाने की कोशिश करी थी यार पसीना हद से ज़्यादा हो रखा है यार इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इसके अंदर जाऊं या शूट करूं मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस लौट जाऊं ठीक है यहां से कम से कम 1 किलोमीटर दूर पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है और दोनों भाई वापस अंदर आए हैं वापस उस आत्मा को देखने उस आत्मा से बात करने के लिए सॉरी यार थकान हो चुकी है ढंग से बोला नहीं जा रहा है और प्यास लग चुकी है यार पैदल आए हैं 1 किलोमीटर चल कर यार तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर दें और इंस्टाग्राम पर आप सभी से बात कर रहा हूँ अभी तो फॉलो करें यार वहाँ पर भी जाकर नीचे नाम शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम का वैसे फेक अकाउंट बहुत सारे हैं यार उन पर रिपोर्ट मार देना ठीक है कम से कम 70 या 80 फेक अकाउंट है इंस्टाग्राम के आर के आर हिस्ट्री के तो उन पर रिपोर्ट ज़रूर मार देना जाकर क्योंकि जो मेरी बहन है जो मेरे दोस्त है जो मेरे भाई है उनसे वो थोड़ी सी घटिया तरीके से बातें करते हैं और भी बहुत सारे मेरे पास में स्क्रीनशॉट आए हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को दो बात सुनने को मिले और एक और चीज़ एक इंस्टाग्राम अकाउंट है आर के आर सी ऑफिशियल के नाम से ठीक है
एक तो मेरा अकाउंट है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक और अकाउंट है ठीक है MR ऐसा कुछ अकाउंट है, उन्होंने एक जो अपनी बहन है उससे पैसे की डिमांड करी है यार, तो वहाँ पर जाकर रिपोर्ट जरूर मार देना उस अकाउंट पे जाके। स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सभी से। अंदर चलते हैं, अब करते हैं लोकेशन की बात ठीक है। ये हो गई अपनी भाइयों वाली पर्सनल बात, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वापस यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बहुत कुछ किया था यार, बहुत मेहनत करी थी। दीपक भाई आए थे, अशोक भाई आए थे, मैं आया था, यहाँ पर चार चार कैमरे लगा चुका हूँ, हर कैमरे में वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है। अंदर चलकर जो भाई नए हैं उनको स्टोरी बताता हूँ, लोकेशन दिखाता हूँ यार, क्योंकि बातें बहुत सारी हो जाएगी अभी। आ जाओ अशोक भाई। ये अशोक पैर के नीचे आ जाता अभी ठीक है, बारिश है यार, इसको जाने दो। मेंढक है यार, बारिश की वजह से आ गया, अभी पैर के नीचे आ जाता। मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ भी मेरी वजह से हो ऐसा ठीक है, पसीना हो रखा बहुत ज़्यादा। अशोक भाई लोकेशन दिखा देते और तरफ की यार, बहुत पसीना है, बहुत गर्मी हो रही है भाई यार। आपको पता चेहरे पे, मतलब यार चेहरे पे दिख रहा होगा, हालत ख़राब हो चुकी है लोकेशन पे पहुँचते पहुँचते ठीक है। ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है, शायद पता नहीं वीडियो शूट होगी या नहीं होगी, पर फिर भी आपके लिए, आपके प्यार के लिए वापस पहुंच चुका है आपका भाई RKR ठीक है। लोकेशन पे ये एक मैरिज हॉल है जहां पर बारात ठहरी थी यार। वापस मैं इस स्टोरी को दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं आप सभी को, ये एक मैरिज हॉल है जहां पर एक बारात ठहरी थी। ऊपर की तरफ लोहे के कुंदे लगे हुए हैं, लोहे के बक्कल लगे हुए हैं, जहां पर पंखे लगे हुए थे, मतलब लाइट कनेक्शन था, यहां पर पंखे चल रहे थे। बारात यहाँ पर सो रही थी, पर एक नहीं कम से कम 50 लोगों के माइंड में वो थ्योरी थी, यह एक सपना था। वो आया कि बड़े बड़े नाखून थे उसके, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बदसूरत सा चेहरा, वो उनके सीने पे बैठ के उनके गले को दबा रहा था यार। ऐसी यहाँ की स्टोरी है यार। आप सोच रहे होंगे RKR भाई एक तो आपकी वीडियो रात को देखते हैं और ऊपर से आप डरा रहे हो, आप खुद बोलकर। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल है, फैक्ट है, यहाँ पर ऐसा कुछ बीता हुआ है और उस वजह से कम 10 या 15 लोगों की जान गई है यार, हार्ट अटैक से। इसी चीज को देखने के लिए मैं कम से कम 6 या 7 बार यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, वापस पहुंचाऊँ आपकी डिमांड पर ठीक है। आज मेरे को यहाँ पर कुछ भी होता है तो इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, अशोक भाई भी ठीक है। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरी लोकेशन, कवर करवाते हैं। आ जाओ एक मिनट अशोक भाई, देखिए हमारी। हाँ यार बहुत तेज थी, रिकॉर्ड हुई होगी कैमरे में, होप सो। रोने की आवाज, मतलब 2 गेट है इसके। अभी आपको लग रहा होगा कि मैरिज हॉल कुछ भी नहीं है, इतना सा छोटा मैरिज हॉल कैसे हो सकता है। अभी दिखाऊंगा, 2 गेट है, एक फर्स्ट सेकंड। अशोक दिखाऊंगा, अंदर की तरफ चलते हैं। अब दिखाता हूँ प्रॉपर लोकेशन कितनी बड़ी है। सामने की तरफ कैमरा व्यू नहीं कर पा रहा होगा यार, जहां तक मैं जानता हूँ ठीक है। मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कैमरा कितना फोकस करता है, वो भी नाइट को। वो लाइट कितनी बड़ी लेके आ जाओ, आपकी डिमांड रहती है लाइट फुल लेके आओ, इतनी लाइट फुल नहीं होती है यार ठीक है। आपको लगता होगा इतना बड़ा पावर सोर्स नहीं है हमारे पास। सामने की तरफ ये आवाज सामने से आ रही है क्या? मेरे को जब बाहर खड़े थे तब भी आवाज आई थी, पता नहीं कैमरे में आई नहीं आई, पता नहीं मेरे को क्यों लगा। सुनी तो थी एक आवाज। हाँ पता नहीं कुछ भी हो सकता है भाई। भाई तो कोई है यहाँ पर भाई? जो लास्ट टाइम हुआ ना उसके बाद में हिम्मत नहीं हो रही। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था, गले के अंदर माला थी, इसी वजह से बच गया, वरना मेरे साथ में बहुत कुछ अनहोनी घटना घट सकती थी यार। अगर यहाँ पर कोई भी है तो जवाब दे भाई। यहाँ पे लगा यार कुछ है इस गेट पे, पता नहीं क्या था।
ठीक है भाई, ये हो क्या रहा है यार? कोई है यहाँ पर? शोभन कुछ बोलने की गुनगुनाने की आवाज आई, सुनो, समझने की कोशिश करो। कोई है यहाँ पर? दोस्तों कोई तो है जो हमारे से बात करना चाह रहा है। देखो मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सामने आए। मैंने आपको मोक्ष दिलाने की कोशिश करी थी पर आपकी मोक्ष नहीं हुई, मेरे को पता है। भाई इस तरफ भाई, भाई 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 ये क्या है? हाँ? क्या है? कौन है? भाई वो क्या था यार? अशोक माला का है, माला लेके नहीं आया यार आज। भाई गाड़ी में जाके लाना, पॉसिबल भी नहीं है। आपके पास में भी है क्या? नहीं। क्या है ये, क्या हो रहा भाई? ना तो अभी मंत्र जल लेके आए, ना माला लेके आए यार, क्या करे? पीछे हटे क्या? ये क्या था? क्या हुआ? इसका सा क्या कुछ? ये किसी की हड्डी है सिर की। छोड़ दो यार, क्या करे भाई, वापस चले क्या? भाई माला लेके आना बहुत जरूरी है। जो भाई आपको पता है अभी अभी हाल ही में कामाक्षी उस शैतानी रूह से निकले हैं बाहर। वही तो यार, मेरे मन में बहुत डर है भाई। जल्दी में, एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, सब गाड़ी में रह गया यार, क्या करें? मैं तो बोल रहा हूँ भाई चलते हैं वापस यार, भाई यार ठीक नहीं है भाई यार, मेरी हालत नहीं है उतनी दूर में जाकर माला लेके। भाई कोई ना यार, वापस आ जाएंगे भाई यार, हर चीज। कौन है यहाँ पर? अशोक भाई। हाँ? यार ये तो अभी हमने अंदर फेंका था, ये हड्डी मैंने वहां डाली थी भाई। तो यार मैंने ये हड्डी वहां पर डाली थी अशोक भाई, ये तो ये चीज समझ में नहीं आ रही यार। अगर कोई है तो जवाब दे, हमारे को डराने की कोशिश ना करें। ये आवाज आई थी क्या? आप चाहते हैं कि हम आपको मोक्ष दिलाएं? भाई कुछ लगा यार मेरे, हैं? ये क्या यार, ये कहां से आई? आगे चले क्या भाई, ये क्या हो रहा है यार? क्या आप चाहते हैं कि हम आपको मोक्ष दिलाएं? देखो मैं यहां पर बहुत सारा, अशोक भाई आगे हो। अशोक भाई हाँ, लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पर कुछ किया था। वही तो यार, याद है? हाँ, जो बनाया था
सब कुछ खत्म है। भाई वहां पे कहां पर? उस गेट पे यार। कहां? सामने? हाँ यार वहां कुछ तक कसम से। यहाँ पे कुछ नजर आया था भाई, कोई बदला लेने कोशिश तो नहीं कर रहा यार। रोंगटे खड़े हो चुके हैं भाई, एक तो इतना पसीना देखो, बहुत यार पहले नहीं था, यहाँ आने के बाद कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। यार मेरे को अशोक भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी आत्मा स्प्रिट है ना उसको छेड़ दिया है। अशोक भाई क्या करे? एक काम हो सकता है यार। क्या? आओ देखो मैं आपको चैलेंज करता हूं यहां पर कि आप मेरे सामने आओ। अशोक भाई सही रहेगा या नहीं रहेगा ये बताओ। क्या बोल रहे हो यार आप? यार और कोई चारा नहीं है यार, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे सामने आओ। अगर भाई मोक्ष ही बोलो एक बार, अगर मोक्ष जैसा कुछ होगा ना तो वो सामने जरूर आएगी। देखो मैंने इतनी मन्नतें कर ली, इतनी कोशिशें कर ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ अगर आप यहाँ पर मौजूद हो तो मेरे सामने आकर मेरे से बात करने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बात करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे भाई जल ये जल रही है यार एक भाई 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 छोड़ो क्या हो रहा है भाई वो कहाँ गई भाई भाई ये क्या हो रहा है यार भाई वो सामने है यार भाई ठीक हो भाई भाई ठीक तो यार ये क्या हो रहा है यार एक मिनट हाँ आवाज आ रही भाई। अशोक भाई हाँ क्या हुआ भाई? गला दिखाओ यार यार निशान हो गए यार। भाई ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है यार? भाई मैंने बोला था यार बिना माला जाना ठीक नहीं है यार। भाई इस रूप में पहले कभी नहीं देखा यार उसको। ये क्या था? पता नहीं यार हर तरफ से ऐसा लग रहा है वो आने वाली है यार। हाँ पता नहीं ऐसे सरबारी हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ठीक तो भाई क्या हुआ? भाई मेरा खुद का सर इस लगा। जय मान ज्ञान सागर जी कभी से तुम लोग जाकर आ जाओ भाई। भाई मत जाओ यार। अशोक भाई फोकस करो सामने आओ। भाई एक मिनट भाई अशोक भाई रुको अशोक भाई उठो आराम से निकलो यार यहाँ से भाई। ठीक आराम से सुनो लाइट को सीधी करो भाई यार। अशोक भाई भाई कुछ तो है यार, भाई कुछ नहीं है यार यहाँ से। अशोक भाई लाइट को सीधी करो, मैं हूँ ना। लाइट को सीधी करो एक मिनट आराम से भाई यार। तो आराम से भाई आराम से भाई यार मैं आपके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। आराम से भाई निकलते हैं आराम से एक मिनट साइड में अशोक भाई साइड में रुको रुको भाई वो मार देगी यार रुको
जाएंगे दोनों साथ जाएंगे, वरना दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है, आराम से। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है ना। आ जाओ। हे मेरे वजन बली, रक्षा कर। आ जाओ। क्या हो गया यार भाई? क्या रखो उस तरफ, दम घुट रहा है यार, क्या हो रहा है? सामने फोकस करो अशोक भाई एक बार। अशोक भाई, हाँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ निकल जाते हैं यार यहाँ से भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। क्या करें यार भाई, हालत खराब हो चुकी है बहुत बुरी यार। वही तो यार भाई, ये क्या हो रहा है भाई? सामने भाई, ओ भाई, ओ भाई, निकलो निकलो भाई, भाई ये चलते कौन है यार? भाई 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 निकल जाओ। अच्छा भाई, अभी तो पड़ रहा है यार भाई, निकल बाहर, निकलो बाहर, निकलो भाई। ओ भाई अशोक भाई, हाँ अरे यार ये बहुत अजीब था भाई, क्या करें भाई? चाहकर भी इस चीज का सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। भाई यार ये चैलेंजिंग काम हो गया है, सही बता रहा हूँ मैं। या तो लेके आए यहाँ पर अगोरियों को या पंडितों को, दो ही रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई चॉइस नहीं है अपने पास में। कुछ ही करके आ जाए अपन, बहुत गुस्सेल आत्मा है भाई, तो जो भी है किसी पर ना किसी को हावी ना होने देगी, यहाँ से निकलते हैं।